In this video, we are going to discuss the topic of microbes in human welfare. First part is microbes in household products. We will see the role of microorganisms in the production of a large number of household products. The first one is curd. हमें पता है कि milk जो है वो curd में convert हो जाता है with the help of lactobacillus. Lactobacillus को हम lactic acid bacteria भी बोलते हैं, lab. मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है विद हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस, और मिल्क जो है वो कोएगुलेट हो जाता है, वो जम जाता है, और उसमें जो कैजीन प्रोटीन है कोएगुलेशन हो जाती है उस कैजीन प्रोटीन की. कर्ड जो है दैट इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क. कर्ड में विटामिन B12, ऑर्गेनिक एसिड्स और विटामिन जो हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज सेकेंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज ब्रेड. अब ब्रेड कैसे बनती है? जो डो है मीन्स आटा जो है उसको बना कर रखा हुआ है, उसके ऊपर बेकर्स ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविसाए अपना एक्शन करेगी, फर्मेंटेशन करेगी, और वो फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, ब्रेड प्रोड्यूस हो जाएगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी विच इज़ गोइंग टू एस्केप, और इसी की वजह से ब्रेड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एस्केप होने से ब्रेड पोरस और सॉफ्ट होती है और ब्रेड में होल्स होते हैं, और साथ में क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है यहाँ पर बेकर्स ईस्ट कर रही है तो एल्कोहल विल बी प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज चीज़. चीज़ जो है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क, एंड चीज़ जो है इसको हम ओल्डेस्ट प्रोडक्ट भी मानते हैं विच वॉज प्रोड्यूस्ड लॉन्ग अगो, और तब से प्रोड्यूस होता आ रहा है. ठीक है, चीज़ अलग अलग टाइप्स की हैं. कॉटेज चीज़, ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस की मदद से बनता है. स्विस चीज़, इट हैज़ लार्ज होल्स इन इट. प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो है इसकी वजह से ये चीज़ बनती है. अब टॉम एंड जेरी में देखा होगा आपने, टॉम जो चीज़ खाता है लार्ज होल्स वाला वो स्विस चीज़ है. नेक्स्ट इज रॉकफोर्ट चीज़. इसमें फंगस पेनिसिलियम रॉकफोर्टाए एक्शन करेगा, ब्लू ग्रीन मॉडलिंग होगी इस चीज़ में, और ये शीप के मिल्क से बनता है. तो ये तीन टाइप्स की चीज़ है. चीज़ ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट इज योगर्ट. योगर्ट इज नथिंग एल्स बट फर्मेंटेड मिल्क. फर्मेंटेड मिल्क, इसे हीट किया गया है, कूल किया गया है, और मिक्स कर देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस के स्ट्रेन्स के साथ, ये बैक्टीरियाज हैं, और इसमें फ्लेवर आता है फिर लैक्टिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड का. ठीक है, तो योगर्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट. देन वी मूव टू टॉडी. टॉडी इज नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम ट्रीज. देन वी हैव सोयाबीन प्रेपरेशंस. दो टाइप की सोयाबीन प्रेपरेशंस हैं, टेम्पेह सोफू टोफू. सोफू टोफू जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन विद म्यूकर स्पीशीज, ये भी एक फंगस है. ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं. अब सेकेंड पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो है माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. अब इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खूब यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए. देखते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं. प्रोडक्शन ऑफ एन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो बड़े बड़े कंटेनर्स जो बहुत ह्यूज कंटेनर्स होते हैं उन्हें हम फर्मेंटर्स बोलते हैं, और फर्मेंटर जो है 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर वेरी लार्ज वेसल होता है. ठीक है, अब फर्स्ट प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन से दैट इज़ फर्मेंटेड बीवरेजेस. और फर्मेंटेड बीवरेजेस जो हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है बेकर्स एंड ब्रूअर्स ईस्ट है, ये एक्शन शो करेगी अपना, और वाइन ईस्ट भी. ब्रूअर्स और बेकर्स ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाए, और वाइन ईस्ट है सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडन्स. ठीक है, अब फर्मेंटेड बीवरेजेस डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन बनती हैं. विदाउट डिस्टिलेशन बनेगी वाइन एंड बियर.
ठीक है, W फॉर विदाउट, W फॉर वाइन, इजी है याद रखना भी, और बियर, और बाकी जितने भी बचते हैं दे आर डिस्टिलेशन, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी, गिन, वोडका, रम, फेनी एक्सेट्रा. सो द फर्स्ट वॉज फर्मेंटेड बीवरेजेस, सेकेंड इज एंटीबायोटिक्स. नाउ एंटीबायोटिक्स जो हैं, पहले तो हम वर्ड के मीनिंग को समझेंगे. एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ. अब लाइफ किसकी? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की. तो एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं. अब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी में एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई 20th सेंचुरी में, और ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी 20th सेंचुरी की. ठीक है, और एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है वो सेरेंडिपिटी की फिनोमिना से हुई थी. नाउ व्हाट इज सेरेंडिपिटी? सेरेंडिपिटी रेफर्स टू अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, बाय चांस डिस्कवरी बोलते हैं हम जिसको, जो नहीं होनी थी उसको कर नहीं रहे थे, बट आउट ऑफ द वे आकर बाय चांस ही वो डिस्कवरी हो गई. ठीक है, तो ये सेरेंडिपिटी के थ्रू एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था. इसकी हिस्ट्री हम बाद में देखते हैं कि कैसे डिस्कवरी हुई थी. तो पेंसिलीन जो है, दैट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड. पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ वो पेंसिलीन है, आप शायद जानते भी होंगे. अब देखते हैं कि ये डिस्कवर हुआ कैसे था. इसकी डिस्कवरी के दौरान एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही वॉज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस. अब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसकी ग्रोथ करवा रहे थे, इसके ऊपर वर्क कर रहे थे. और हुआ क्या, जिस पेट्री प्लेट या जिस कंटेनर में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को वो ग्रो कर रहे थे, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, उसको उन्होंने थोड़ा, वो थोड़ी गंदी रह गई, साफ नहीं किया उन्होंने उसको प्रॉपरली. और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि उस पेट्री प्लेट के ऊपर एक मोल्ड, मोल्ड एक फंगस, पेनिसिलियम नोटाटम ग्रो कर गया है. ठीक है, फ्लेमिंग वॉज ग्रोइंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जिस पेट्री प्लेट पे वो उगा रहा था वो थोड़ी सी डर्टी रह गई, जिसके ऊपर मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम ग्रो कर गया. ठीक है, अब मोल्ड ने क्या किया, उस स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को ही इनहिबिट कर दिया. मींस फंगस ने बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया. इसका मतलब है मोल्ड जो था वो एंटी डिजीज था. यहाँ से यही क्लियर हुआ कि पेनिसिलियम स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को अगर रोक रहा है तो इट मींस दैट इट इज एंटी डिजीज एजेंट. और इस पेनिसिलियम नोटाटम को अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया गया World War II में, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल मेडिसिनल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी थी. अब इस डिस्कवरी के लिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन को 1945 में नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरिंग पेंसिलीन. एंड दिस पेंसिलीन इज यूज्ड टू ट्रीट अ लार्ज नंबर ऑफ डेडली डिजीजेज लाइक प्लेग, वूपिंग कफ को हम काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया, गलघोटू बोलते हैं जिसको, और लेप्रेसी, कुष्ठ रोग एक्सेट्रा, इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने लग गए. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स इन दिस वीडियो. माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें मालूम है कि नो डाउट वो आउटपुट इंक्रीज करने में काफ़ी सक्षम होते हैं, बट केमिकल फर्टिलाइजर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पोल्यूशन कॉज करते हैं, बोथ वाटर बॉडीज एज वेल एज ग्राउंड वाटर, इवन सॉयल पोल्यूशन. सो इन ऑर्डर टू फाइंड एन ऑल्टरनेट, केमिकल फर्टिलाइजर्स का कोई ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की गई, तो वो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में देखने को मिली. बायो फर्टिलाइजर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कर देंगे सॉयल की, और इन न्यूट्रिएंट्स को ईजिली अवेलेबल करवा देंगे प्लांट्स को, क्रॉप्स को, और न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. कुछ एग्जाम्पल्स दिखते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के. फर्स्ट है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अब नाइट्रोजन हमें पता है एयर में 78% है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू द सॉयल. सो कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉयल में और उसको प्लांट्स को अवेलेबल करवाते हैं. एग्जाम्पल्स हैं बैसिलस, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम. दिस नाइट्रोजन बिकम्स अवेलेबल टू द सॉयल आफ्टर देयर डेथ. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और राइजोबियल बायो फर्टिलाइजर्स. इसमें जो है ये जो बैक्टीरिया हैं बड़े बेनिफिशियल हैं
और ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाते हैं, प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। और इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज राइजोबियम। अब राइजोबियम के दो एग्जांपल्स लेते हैं, पी में जो उगता है बैक्टीरिया नोड्यूल्स के अंदर दैट इज राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, और सोयाबीन में जो पाया जाता है दैट इज राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे रूट नोड्यूल्स के अंदर और प्लांट्स को अवेलेबल करवा देंगे। एक और है फ्रांकिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है विच इज़ एसोसिएटेड इन अ म्यूचुअल बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ रूट नोड्यूल्स ऑफ मैनी नॉन लेग्यूम प्लांट्स। देखो ये तो लेग्यूमिनस थे ना, अब ये नॉन लेग्यूम्स हैं, जैसे कि मायरिका एस्क्यूलेंटा जो काफल बाजार में मिलता है खाने के लिए, है ना, हाई हिल्स पे पाया जाता है, रेड कलर का वाइल्ड फ्रूट माना जाता है इसको, और रूबस आँखें बोलते हैं जिसको, रस्प बरी। इन दोनों प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में फ्रांकिया जो है इट विल बी एसोसिएटेड, और ये नॉन लेग्यूम प्लांट्स हैं दोनों, मायरिका और रूबस, और ये जो पी और सोयाबीन है देवर लेग्यूमिनस प्लांट्स। थर्ड टाइप के बायोफर्टिलाइजर जो हैं दे आर लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें हमने कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि एजोस्पिरलम, ये किसी भी रूट्स के इर्द गिर्द रहेगा और उसके साथ क्लोज एसोसिएशन नहीं बनाएगा और नाइट्रोजन फिक्स वहाँ करता जाएगा, इसलिए इस एसोसिएशन को बोलते हैं राइजोस्फियर एसोसिएशन। फोर्थ है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अभी तक हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, अब साइनोबैक्टीरियाज या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की, जैसे कि नोस्टॉक, एनाबिना, सिलेंड्रोस्पर्मम, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ही लो कॉस्ट बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। इसमें वेरी फेमस एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिकली भी एसोसिएटेड होते हैं प्लांट्स के साथ, जैसे कि साइकेड रूट्स, लाइकन्स, अजोला वाटर फर्न। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी में अजोला एनाबिना सिम्बायसिस का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। वेरी एफिशिएंट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है ये। अब अजोला जो है एक वाटर के अंदर फर्न है पाया जाने वाला, एक वाटर प्लांट है, और साइनोबैक्टीरिया का नाम है एनाबिना, इसलिए इस एसोसिएशन को बोल दिया अजोला एनाबिना सिम्बायसिस। अजोला क्या है, इट इज़ अ वाटर फर्न, एनाबिना क्या है, इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये ग्रो कर जाएगा क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अजोला बायोफर्टिलाइजर ज़्यादातर देखने को मिलता है राइस फील्ड्स में, और इससे प्लांट की हाइट और उसकी ईल्ड दोनों में ही इंक्रीज होने का दावा देखा गया है, 50% तक, 50% हायर आउटपुट भी मिला है अजोला एनाबिना सिम्बायसिस या अजोला बायोफर्टिलाइजर की वजह से। उसके बाद माइकोराइजा आते हैं। ये माइकोराइजा क्या है, माइको अगेन वर्ड फंगस से जुड़ा हुआ है, राइजा म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है फंगस का रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में, ठीक है। जैसे कि कुछ फंजाई जो हैं दे विल बी फाउंड टू ग्रो इन द रूट्स ऑफ पाइन ट्रीज, साइकड ट्रीज, और अब इनका रेजिडेंस कहाँ पर है इसके बेसिस के ऊपर माइकोराइजा जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में हम डिफरेंसेस ही देखते हैं कि एक्टो में एक्टो आउटर रीजन, एंडो अंदर, लार्ज अमाउंट ऑफ फंगल माइसीलियम इसमें इन्वॉल्व्ड रहेगा, इसमें थोड़ा सा माइसीलियम इन्वॉल्व होता है, माइसीलियम आपको पता है दैट इज़ अ क्लस्टर ऑफ हाइफे ऑफ फंजाए, ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बना देता है जिसको हम हार्टिक नेट बोलते हैं। ऐसी कोई एसोसिएशन यहाँ पर नहीं है, ये प्लांट्स को एक्सटर्नली अफेक्ट करेगा बट ये होस्ट की बॉडी के अंदर तक जाएगा, तभी एंडो वर्ड यूज़ किया है ना, और कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स वगैरह नहीं बनाएगा ये, बट ये स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स जिनको हम अर्बस्क्यूल्स या वेसिकल्स बनाता है, ठीक है। सो दिस फिनिशेस विद आर एक्टो आर माइक्रोराइजा टॉपिक एंड ऑल्सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो नेचुरल मेथड्स जो भी हम यूज़ करते हैं पेस्ट और पैथोजन कंट्रोल के लिए, इन विच वी यूज़ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स,
which are natural predators of pests and pathogens is called biocontrol, is called microbes as biocontrol agents. इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं. केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड पेस्ट्स. सो वॉट इज अ पेस्ट? एनी बायोलॉजिकल एजेंट विच डिस्ट्रॉयज आवर क्रॉप. कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है उसे हम पेस्ट बोलते हैं. जैसे कि वीड्स हो गई, ये अनवांटेड ग्रासेस, इंसेक्ट्स, रैट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स जो इन पेस्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं. पेस्टिसाइड्स केमिकल सब्सटेंसेस होंगे नेचुरली. अब पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने से नो डाउट हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, बट उसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. जैसे कि प्रॉब्लम्स जो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने से हो सकती हैं, पहला है पेस्टिसाइड्स दे आर नॉट टारगेट स्पेसिफिक. मीन्स ये पेस्ट्स को तो किल कर ही देंगे और साथ में कुछ और यूजफुल ऑर्गेनिजम्स भी मारे जा सकते हैं. जैसे कि कुछ पॉलिनेटर्स होंगे वो भी किल हो सकते हैं जो कि अदरवाइज यूजफुल थे हमारे लिए और इकोसिस्टम के लिए. फिर सेकंड केस में नेचुरल प्रेडेटर्स पेस्ट्स के, जो उनको नेचुरल तरीके से पेस्ट्स को ख़त्म कर रहे थे, दे मे ऑल्सो गेट किल्ड, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड. अब नेचुरल प्रेडेटर की जब नंबर का जब नंबर कम हो जाएगा तो पेस्ट्स जो हैं उनका नंबर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच विल अगेन बी प्रॉब्लमेटिक. उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो पेस्टिसाइड्स जो हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. मीन्स ये ख़त्म नहीं होते हैं विद टाइम, है ना, और ये बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं और दिस लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं सारी हमारी केमिकल पेस्टिसाइड्स के साथ अटैच्ड. अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स. तो बायोपेस्टिसाइड्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट्स. मैं यहाँ पर किल पेस्ट्स नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर पेस्ट्स किल हो जाएंगे, अब देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना रोल है इकोसिस्टम में, तो अगर एक पर्टिकुलर टाइप का पेस्ट किल हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगी इकोसिस्टम में. ठीक है, तो बेसिक पर्पस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स का पेस्ट्स को किल करना नहीं है, बट उनको कंट्रोल करना है. मींस उनके नंबर को चेक करना है, उनके नंबर का बैलेंस बनाना है. ठीक है, तो बायोपेस्टिसाइड्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट्स. अब इन बायोपेस्टिसाइड्स को यूज़ करने की प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग बायोपेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल पेस्ट्स इज कॉल्ड बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स. ठीक है, तो अब हम पेस्टिसाइड्स की कैटेगरीज देखते हैं. पेस्टिसाइड्स को दो कैटेगरीज में बंटा हुआ है, बायोहर्बिसाइड्स. बायोहर्बिसाइड्स को हम बायोवीडिसाइड्स भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ बायो इंसेक्टिसाइड्स. एक एक करके डिस्कस करते हैं. अब बायोहर्बिसाइड्स या बायोवीडिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स या उनके प्रोडक्ट्स जिनको हम यूज़ करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, अनवांटेड ग्रासेस, प्लांट्स, जो कि नॉर्मल हमारी फसल को या ऑर्चर्ड्स को में उग कर जो है पोषक तत्व मिट्टी से लेकर यूजफुल प्लांट्स को नहीं मिलने देते हैं वो यूजफुल मटेरियल्स. तो देखते हैं बायो हर्बिसाइड्स की हमने तीन कैटेगरीज बनाई हैं. फर्स्ट इज प्रीडेटर हर्बीवोर्स. वी हैव प्रीडेटर हर्बीवोर्स, माइक्रो हर्बिसाइड्स एंड स्मूदर क्रॉप्स. ठीक है, इन तीनों की डिटेल्स लेते हैं. अब फर्स्ट इज बायो हर्बिसाइड्स या बायोवीडिसाइड्स में प्रीडेटर हर्बीवोर्स. ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स दो तीन. कोकिनियल इंसेक्ट है एक, ठीक है, ये अटैक करता है ओपेंशिया के ऊपर जो कैक्टस है. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ओपेंशिया की ग्रोथ को इस इंसेक्ट ने कंट्रोल करके रखा हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल इज क्रायोसलिना बीटल्स. ठीक है, ये कैलेमेथ वीड को कंट्रोल करते हैं यूएसए में. एंड थर्ड एग्जाम्पल इज जाइगोग्रामा बाय कोलोरेटा. ठीक है, ये पार्थीनियम, जिसको हम कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, उसके
नंबर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है कॉक्सिनियल, जायगोग्रामा वगैरह, ये दीज ऑल आर प्रिडेटर्स एंड दीज ऑल आर हर्बीवोर्स, ठीक है। तो प्रीडेटर हर्बीवोर्स इस तरीके से अटैक करेगा और नंबर को कंट्रोल करके रखेगा। सेकंड इज माइको हर्बिसाइड्स। वी नो दैट द वर्ड माइको दैट इज रिलेटेड टू फंगस बिकॉज स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ठीक है। सो व्हाट आर माइको हर्बिसाइड्स? दे आर फंजाई और देयर प्रोडक्ट्स यूज टू कंट्रोल वीड्स। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा फंगस का। ये जो फंगस है इट कंट्रोल्स मिल्क वीड्स ऑफ सिट्रस ऑर्चर्ड्स। जितने भी सिट्रस ऑर्चर्ड्स हैं जहाँ पर आपके ऑरेंजेस, लेमन्स वगैरह ग्रो करते हैं, जितनी भी सिट्रस फैमिली है वहाँ पर मिल्क वीड्स उग जाएँ अगर, तो उसके ऊपर ये फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है और उन मिल्क वीड्स को किल कर देता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ माइको हर्बिसाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ फाइटोप्थोरा दैट वॉज गिवन द नेम पाल्मीवोराल्ट। This was the first माइको हर्बिसाइड विच वॉज कमर्शलाइज्ड, मीन्स इसकी ये बाजार में आया, मार्केट में उतरा, कमर्शियल पर्पज पे इसको यूज़ किया गया। नाउ वी हैव नेक्स्ट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग माइको हर्बिसाइड्स, इसमें एक नया, इसके साथ ही एक अटैच टॉपिक है, दैट इज ऑफ फंगल स्पोर्स। फंगल स्पोर्स दे आर अवेलेबल इन द मार्केट अंडर द टू नेम्स डिवाइन एंड कोलेगो, ठीक है। ये जो डिवाइन है दे आर नथिंग एल्स बट फाइटोप्थोरा स्पोर्स, और कोलेगो जो है दे आर स्पोर्स ऑफ कोलिटोट्राइकम, बोथ दीज आर फंजाए। दीज स्पोर्स आर मिक्स्ड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन क्रॉप्स, और उससे होगा क्या, वीड्स कम अंडर कंट्रोल। देन वी मूव टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ बायोवीडिसाइड्स, दे आर स्मूदर क्रॉप्स, ठीक है। ये दीज क्रॉप्स डोंट अलाउ वीड्स टू ग्रो नियर बाय, अनवांटेड ग्रास को नियर बाय ग्रो नहीं करने देंगे, जैसे कि सनफ्लावर, सोयाबीन, राय, बार्ले एक्सेट्रा, दीज ऑल आर स्मूदर क्रॉप्स। सो दिस फिनिशेज आर बायो हर्बिसाइड्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, दैट इज बायो इंसेक्टिसाइड्स। नाउ वट आर बायो इंसेक्टिसाइड्स? बायो इंसेक्टिसाइड्स आर नथिंग एल्स बट दे आर ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट्स। ये भी, इसकी भी कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी इसमें है प्रीडेटर्स की। नाउ प्रीडेटर्स हम एग्जांपल ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल लेडी बर्ड बीटल्स का और प्रेइंग मैंटिस। ये दोनों प्रीडेटर्स जो हैं एफिड्स, जो कि प्लांट्स लाइक कॉटन और एप्पल के ऊपर उगते हैं, एफिड्स यहाँ पे पेस्ट है, ये प्रीडेटर इसके नंबर को कंट्रोल करता है। सेकंड बहुत अच्छा एग्जांपल है गैम्बूजिया फिश का, जो कि मॉस्किटो के लार्वा खाता है। थर्ड एग्जांपल है जो ड्रैगन फ्लाइज का, जो एडल्ट मॉस्किटोज को कैच करके उनको खा लेता है। सो दीज ऑल आर प्रीडेटर्स, एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेटर्स। देखिए यहाँ पे कैसे जो है बायो इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाए जा रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड कैटेगरी, सॉरी थर्ड कैटेगरी, दे आर द नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स भी जो हैं, दे आर इंसेक्टिसाइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है। फोर एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज एज अ डायरेक्टिन। एज अ डायरेक्टिन जो है नीम से ऑब्टेन होता है, क्योंकि नीम का साइंटिफिक नेम एज अ डायरेक्टा इंडिका होता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नीम और मार्गोसा। ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को रिपेल करेगा बिकॉज ऑफ इट्स एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी। इंसेक्ट्स रिपेल हो जाएंगे क्योंकि इसका जो टेस्ट है बड़ा टर्बिड सा, एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी वाला है, मींस इंसेक्ट्स वोंट लाइक देम, लाइक टू ईट द लीव्स ऑफ दिस एज अ डायरेक्टिन। देन वी हैव निकोटीन। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम निकोटियाना, निकोशियाना और टबैकम, दैट इज टोबैको, ठीक है। ये निकोशियाना टबैकम जो है इट इज़ पॉइजनस एंड टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स, तो इस वजह से भी जो है इंसेक्ट्स दूर रहते हैं नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स की प्रेजेंट होने से कुछ प्लांट्स में। थर्ड वी हैव पायरेथ्रिन एंड सैंडरिन। ये भी रिपेल करता है इंसेक्ट्स को, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है स्प्रेज, मॉस्किटो कॉयल्स वगैरह में। देन वी हैव थूरीसाइड। थूरीसाइड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थूरिंजेंसिस। इट इज़ टॉक्सिक टू मॉस्किटोज, फ्लाइज एक्सेट्रा। सो दिस फिनिशेज आर टॉपिक ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। थैंक यू। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाए,
ईस्ट, एल्गी एक्सेट्रा को हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये कल्चर किया जाता है कमर्शियल स्केल पे फर्मेंटर्स के अंदर। कल्चरिंग करने के बाद इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर ड्राई कर दिया जाता है और एक फूड के सोर्स के रूप में से यूज़ किया जाता है या एनिमल फीड के रूप में से यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कह देते हैं। अब सिंगल सेल प्रोटीन एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन है अदर दैन द एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन, ठीक है। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, दे आर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इज मिथाइलोफिलस, साइनोबैक्टीरिया या इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, स्पिरुलिना, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, ठीक है। और कुछ और भी हैं इसमें एग्जाम्पल्स, फिलामेंटस फंजाई, फ्यूजारियम, फिलामेंटस फंजाई है फ्यूजारियम, एल्गी जस्ट लाइक ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल इज क्लोरेला। अब हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स की। दे आर रिच इन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन कंटेंट इनका हाई है और फैट कंटेंट इनका लो है। अब क्योंकि हम इनको सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर कम हो जाता है सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स करने के लिए, ठीक है। फिर इनकी प्रोडक्शन क्योंकि हम लैब में कर सकते हैं और ये प्रोडक्शन पूरे साल भर की जा सकती है, ये क्लाइमेट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, नो क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन में कोई भी क्लाइमेटिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ना सॉइल है, ना टेम्परेचर है, ना वाटर है, नो क्लाइमेटिक फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड। सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग चीप मटेरियल्स, बिल्कुल सस्ते मटेरियल्स, जैसे कि कोई पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ से पोटैटोज को यूज़ कर सकते हैं, एनिमल मैन्योर को यूज़ कर सकते हैं या वेस्ट वाटर को यूज़ कर सकते हैं हम सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन करने के लिए। लैंड की ज़रूरत बहुत कम रहेगी, वेरी लेस लैंड एरिया इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लो है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक तरफ लो है और प्रोटीन की प्रोडक्शन जो दूसरी तरफ है वो बहुत हाई अमाउंट में है। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं, वो ऐसे सबस्ट्रेट्स यूज़ करते हैं SCP को बनाने के लिए जो अदरवाइज पोल्यूशन कॉज कर सकते थे, तो इसलिए सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। दिस टॉपिक ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एग्जामिनेशंस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी शुड नो वॉट इज सीवेज। तो सीवेज क्या होती है? म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। जितना भी वेस्ट वाटर जो है हमारे घरों से निकलता है या किसी और इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है उसे हम सीवेज कहते हैं, बट इस सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रीटा मिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इस डर्टी वाटर को हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ सकते हैं, इट नीड्स ट्रीटमेंट बिफोर इट इज़ डिस्पोज्ड इन द वाटर बॉडीज। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस सीवेज इज ट्रीटेड। अब सीवेज क्योंकि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होंगे, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर पैथोजेनिक, दैट इज डिजीज कॉजिंग। तो हम डिजीज कॉजिंग रिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला डर्टी वाटर अगर वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं तो नेचुरली वो वहाँ के फ्लोरा फौना को तो डिस्टर्ब करेगा ही, साथ ही वो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एक अभिशाप होगा। तो हमें इस वाटर को ट्रीटमेंट देनी ही पड़ेगी। सो इस वाटर को हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज ना करते हुए हम इसको ट्रीट करेंगे पहले। सो सीवेज इज ट्रीटेड फर्स्ट बिफोर डिस्चार्जिंग देम इन वाटर बॉडीज। अब सीवेज की ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स।
सीवेज इज ट्रीटेड बाय हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स ऑफ सीवेज. अब ये जो सीवेज है इसमें खुद ब खुद ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हिट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हिट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि दे कैनॉट मेक देयर ओन फूड, दे विल ईट द मैटर. मतलब यही वाला ऑर्गेनिक मैटर, इसी को खाएंगे ये ऑर्गेनिक, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स उसको खा रहे हैं. और बदले में हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, दो बातें हो रही हैं यहाँ पर. हिट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब इस ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो रहा है और अपना हिट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है. अब ये जो ट्रीटमेंट की हमने सीवेज की, वी विल डिस्कस इट अंडर टू हेडिंग्स, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. ठीक है, इस प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में फिजिकल रिमूवल होगा सब्सटेंसेस का बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन हमें पता है, जब सीवेज को सेटल कर देंगे एक टैंक में, ठीक है, कहीं पर भी, तो जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. ग्रिट वगैरह, स्टोन्स, पेबल्स, हैवी पार्टिकल्स सभी सेडिमेंट हो जाएंगे और बाकी जो थोड़े हल्के मटेरियल्स हैं वी विल हैव टू फिल्टर देम, है ना, और डेब्री जो है यहाँ से फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर दी जाएगी. सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीज़ें हैं, वन इज सेडिमेंटेशन एंड सेकेंड वन इज फिल्ट्रेशन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, सपोज दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट. तो नीचे जो पार्टिकल सेटल हुए हैं, सेटल्ड सॉलिड्स, दे फॉर्म द स्लज एंड ऊपर वाला जो मटेरियल आया है लेयर्स में, दैट इज द एफ्लुएंट एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज द सुपरनेटेंट. ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है. देन वी मूव टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में भी इस ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड है. ठीक है, अब वो जो सुपरनेटेंट था, हमने वो सारे का सारा लिया और उसको एक एरिएशन टैंक में डाल दिया. एरिएशन टैंक में डालने के बाद उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया और एयर पंप की उसके अंदर. एयर पंप करने से, अब एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जो है एरोबिक बैक्टीरिया जितने भी उस सीवेज में थे, दे विल शो रोबस्ट ग्रोथ. बहुत ज़्यादा ग्रोथ वो शो करने शुरू कर देंगे. अब बैक्टीरिया हैं क्योंकि बहुत जल्दी इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया का गुच्छम गुच्छा हुए पड़े हैं जो उस एरिएशन टैंक में, है ना, उसमें साथ में कुछ फिलामेंटस फंजाई भी प्रोफ्यूज ग्रोथ शो करेगा. तो यहाँ पर दो चीज़ें, बैक्टीरिया एंड फिलामेंटस फंजाई, दे आर गोइंग टू शो प्रोफ्यूज ग्रोथ एंड वो जो गुच्छम गुच्छा हो जाएंगे वहाँ पर एरिएशन टैंक के अंदर, दे विल बी गिवन द नेम ऑफ फ्लॉक्स. क्या नाम दे दिया हमने उसको, फ्लॉक्स का. अब ये जो फ्लॉक्स हैं, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस एरिएशन टैंक में, क्योंकि हम बार बार एयर पंप कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की रिच सप्लाई है इस एरिएशन टैंक में, तो ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको खा लेंगे. ऑर्गेनिक मैटर को खाने की वजह से जो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अब अगर लो BOD हो जाए तो इसका मतलब होता है कि पानी नीट होने लग गया है, प्योर होने लग गया है, और अगर हाई BOD हो तो इट मीन्स दैट वाटर इज डर्टी. दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, लो BOD मीन्स वाटर इज गेटिंग नीट. अब ये जो लो BOD वाला वाटर है, ठीक है, इसको हम सेटलिंग टैंक में भेज देंगे. हमने टैंक बदल दिया, पहले एरिएशन टैंक था, नाउ इट इज सेटलिंग टैंक. और यहाँ पर जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं इनको हमने सेडिमेंट होने के लिए अलाउ कर दिया. सेटल डाउन हो जाएंगे, ये नीचे निकल जाएंगे और ऊपर से जो ये एक्टिवेटेड स्लज का काम कर रहा है, इसमें से हमने थोड़ा सा मटेरियल जो है बैक एरिएशन टैंक को भेज दिया. अब एरिएशन टैंक को वापस यहाँ से हमने थोड़ा सा मटेरियल भेजा है तो ये वाली प्रोसेस जो है फिर से काम करना शुरू कर देगी. ठीक है, और इसके लास्ट पार्ट में देखते हैं अब लास्ट में सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है.
जो स्लज है लिया था हमने, जो एक्टिवेटेड स्लज है, इट इज पास्ड इनटू एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, यहाँ पर ये स्लज डाइजेस्टर में बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे और इनके डाइजेशन से कुछ बायोगैस गैसेस निकलेंगी, मेनली उनमें जो है दैट इज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से सीवेज की ट्रीटमेंट की जाती है और जो भी क्लियर वाटर है उसको फिर वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। एक बात हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी इस माइक्रोबियल सीवेज ट्रीटमेंट को रिप्लेस अभी तक नहीं कर पाई है। इट इज़ ओनली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन ब्रिंग अबाउट दिस सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सो आई थिंक द टॉपिक, सो नाउ लेट अस थ्रो सम लाइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक को हम मेडिसिनल यूज के लिए कब यूज कर सकते हैं। एन एंटीबायोटिक शुड बी ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दैट इज इट शुड हैव द एबिलिटी टू एक्ट ऑन वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक ऐसा होना चाहिए जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपना एक्शन शो करे। इट शुड चेक द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेवलपमेंट नहीं शो करे, डेवलपमेंट ना होने दे रेजिस्टेंट वराइटीज़ ऑफ माइक्रोब्स की, तो वो एक मेडिसिनल यूज़ के लिए हम एंटी कह सकते हैं कि वो एंटीबायोटिक गुड है। इट शुड नॉट अटैक एंड डिसरप्ट वाइटल रिंक इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हैव इट्स रियल इफेक्टिवनेस। एंटीबायोटिक तब अच्छा माना जाएगा जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में के लिंक को तोड़ता है, उसके मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट होने नहीं देता। हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होस्ट में नहीं कॉज करे वो एंटीबायोटिक, देन दैट विल बी रिगार्डेड एज अ गुड एंटीबायोटिक। इट शुड बी स्पेसिफिक ऑन अ पैथोजन। एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक होने चाहिए अपनी नेचर में, और इसके साथ साथ ऐसा ना हो कि वो एंटीबायोटिक दूसरे गुड माइक्रोबियल फ्लोरा को होस्ट के भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, ना कि गुड माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द होस्ट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीबायोटिक फॉर मेडिसिनल यूज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस केमिकल्स एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से केमिकल्स एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। पहला है केमिकल्स में एसिड्स। वी हैव सीन हियर फोर टाइप्स ऑफ एसिड्स। सिट्रिक एसिड, ये एक फंगस एस्परजिलस नाइगर से प्रोड्यूस होता है और ये सिट्रिक एसिड यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, इंक्स, डाइज, हेयर सेटिंग फ्लूड्स एक्सेट्रा। लैक्टिक एसिड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड यूज़ होता है डाइंग और प्रिंटिंग में। एसिटिक एसिड अगेन बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर एसिटाई। विनेगर फॉर्मेशन, आपको पता है सिरका विनेगर बोलते हैं जिसको। ब्यूटारिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इजी है याद रखने में भी, ब्यूटारिक एंड ब्यूटाइलिकम। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई। लैक्टिक एसिड इज लैक्टोबैसिलस एंड सिट्रिक एसिड इज स्पेसिफिक लर्न करने में फंगस एस्परजिलस नाइगर से निकला हुआ है जो। देन वी मूव टू एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं, फर्स्ट इज लाइपेज, इट एक्ट्स ऑन लिपिड्स। ठीक है, अब लिपिड्स पे अपना एक्शन शो करेगा। वैसे भी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को हम लाइपेजेस ही बोलते हैं, है ना। तो ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, मींस ये ड्राई क्लीनिंग या क्लीनिंग प्रोसेसेस ऑफ क्लोथ्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ये दोनों एंजाइम्स हैं, जूस क्लियरर्स हैं। अब हम जो घर में जूस बनाते हैं देखते हैं वो इतना क्लियर नहीं होता, टर्बिड जैसा होता है, बट अगर हम ट्रोपिकाना रियल जूसेस देखें वो क्लियरर होते हैं देन होममेड जूसेस, बिकॉज द इंडस्ट्रीज दे आर यूजिंग पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एज एंजाइम्स। देन वी हैव स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और TPA। ठीक है, ये क्लॉट बस्टर है या क्लॉट ब्रेकर है। ब्लड वेसल्स के अंदर जब क्लॉटिंग हो जाए ड्यू टू सम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक, तो उस टाइम पर स्ट्रेप्टोकाइनेज का या TPA जो है वो काम में लाया जाता है और ये ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से। सो सी द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज TPA। देन वी हैव सम अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। फर्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए,
This cyclosporine A is produced from the fungus Trichoderma polysporum. Very important. NCRT का question भी है ये. It is an immunosuppressant agent. Immunosuppressive agent. Immunosuppressive agent जो है organ transplantation के time पर हम कह सकते हैं कि ये अपना काम करता है. ये immune system को suppress कर देगा और immune system सप्रेस होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर. और ये साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. देन वी हैव स्टैटिन्स. स्टैटिन्स में ईस्ट से एक प्रोड्यूस होता है स्टैटिन. ईस्ट कौन सी है? मोनास्कस परप्यूरियस. ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ ब्लड को रिड्यूस करता है. ये भी एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन कि फ्रॉम वेयर साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड, फ्रॉम वेयर स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड. सो यू शुड रिमेंबर देम.